हेलो एवरीवन, वेलकम टू थापू कॉर्नर। आज हमें अपने संगे शेयर करब कला मोचार पकोड़ी, जेटा अपनी सस दिए खेते एमनी खावा जाए और आपनी टक जलर संगे भिजे खेते देखने जन की लागे। बेसन, लाल लंकार गुड़ो, लवण, चीनी, काश्मीरी लंकार गुड़ो एवं भाजा मसला। शुकनो खोलाय धने जिरे मौरी भेजे गुड़ो कर नहीं लागे। खोला मचार फुल, बीट नून, काचा लंका, टक दई, चाट मसला, गोलमरिचर गुड़ो और लागे किचुटा सर्षे तेल, जोवान और मौरी। एबार देखो कि करते हैं। प्रथम कोला मचागुलो के छाड़ी नीते हैं। एबारे कोला मचार भेतर जो शक्त अंशा अर्थात पिंकेसर ये बेर करे फेले दीते हैं। बाहर जो खोसाटा रही है शक्त आवरण ये फेले दीते हैं। देखो आकटी हमें कर देखिए दीची ये सब कटा फुले छाड़िए नीते हैं। एबार एक बाटिर मध्य हमें दईटा नहीं निल दईर मध्य किचुटा जल दिए दीची। आपनी जे परिमाण जल दीते मन करबें ततटा परिमाणे जल देवें। आबारो किचुटा जल दीची, सामान्य चीनी, गोलमरीचर गुड़ो, चाट मसला, बीट नून, काश्मीर लंकार गुड़ो, काचा लंका कुचि भलोभ मिसिए निची। बेस किचुखण जो ढाका दिए रखी। एदिगे आबार एकटी बाटिर मध्य बेसन, गुड़ो बेसन नहीं दिए दीची, काश्मीर लंकार गुड़ो, भाजा मसला, लंकार गुड़ो, लवण, स्वाद मतो लवण ये शुकनोते ही मिसिए निची। कोला मचर फुलटा के सिद्ध करे बेटे नहीं मध्य दिए दिल, किचुरा जलो दिए दीची। एबार हाथे भालोभावे मेखे नीते हबे, एभावे किन्तु माखते हबे। भालोभावे मेखे नीते हबे। एर मध्ये दिच्छि मौरी एक चामच, एक चामच मतो जोयान। आमि भालोभावे आबार मिशिए नेब। हाई ये पेजे कड़ाई बसिए गरम कर किचुटा परिमाण सर्षे तेल दिए दिल। तेलटा गरम होने पर एर मध्य मेखे रखा मिश्रणटी पकोड़ी आकारे दिए दी। साइजे आपनी बड़ो करते पारें, छोटो करते पारें। पुरो मिश्रणटी छोटो छोटो आकारे आमी तेलेर मध्य छेड़े दीची। एखन गैसेर फ्लेमटी मीडियम रखा एबारे भेजे नेब। यह दो पिसटा भालोभावे भेजे नीते हबे। एगुलो आमी तेल थेके तुले निच्छि। जतटुक मिश्रण आज तेलर मध्य दिए दीची। भिडियो अपना भलो लागे, अपन उपकार लागे तालो अवश्य एक लाइक शेयर और कमेंट करबें। अलरेडी जरा सबसक्राइब कर तक अशेष धन्यवाद। यह देखिए उल्टे पाल्टे भेजे निची, प्राय भाजा हो गए एगुलो तुले निच्छी।
এখন আমার সবগুলোই ভাজা হয়ে গেছে। কতটা নরম হয়েছে, কতগুলো দইয়ের মিশ্রণের মধ্যে দিয়ে দেব। এবার মিশ্রণের ঢাকা খুলে আবার ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি। এর মধ্যে কতগুলো পকোড়িগুলো ছেড়ে দিচ্ছি। যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি তাদেরকে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল, এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি প্রেস করবেন পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য। এই দেখুন আমি অনেকগুলোই বড়া এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি, ডুবিয়ে দিচ্ছি। এরপর আবার কিছুক্ষণের জন্য আমি ঢাকা দিয়ে রাখব। বাকিগুলো আপনি চাটনি বা সস দিয়েও খেতে পারেন। এবার আমি ঢাকা খুলে দেখছি, এর মধ্যে অনেকটাই জল ঢুকেছে এবং বড়াগুলো ফুলে গেছে এবং নরমও হয়েছে। বাকি বড়াগুলো আমি চাটনি দিয়ে খেতে পারেন। এই দুটি রেসিপি বাড়িতে বানিয়ে খেয়ে দেখবেন কেমন হয়েছে, তারপর কমেন্টে লিখে জানাবেন। নমস্কার, সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, নিজের প্রতি খেয়াল রাখবেন। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।